हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ वी टू सेलिब्रिटी हाउस। तो लड़कों एंड लड़कियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन क्रिकेटर बॉलर मोहम्मद सिराज का घर। वैसे आज भले ही सिराज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल और मेहनत किया है वो हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। वैसे मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक गरीब मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पापा ऑटो चलाते थे और कठिन समय में और उनकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। मम्मी पापा के अलावा उनके फैमिली में एक बड़ा भाई भी है जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बचपन के समय में वो अपने फैमिली के साथ हैदराबाद के फसलांसर एरिया में किराए के घर पे रहा करते थे, और अभी तो उनका खुद का घर तोली चौकी में है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको बता दूँ, वैसे प्रैक्टिस करने तक के लिए असली बॉल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था और प्लास्टिक और टेनिस बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे बचपन में। और बिना कोचिंग क्लास के भी आज वो एक वर्ल्ड क्लास टॉप बॉलर है। तो आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड टू सी यू हिज हाउस इधर इन तोली चौकी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो, शुरू करते हैं कार्यक्रम। हाय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम मुस्तफ़ा और चंदन भाई हमारे पुराने ऑफिस के दोस्त हैं। तो बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है चंदन भाई से। तो चंद जा रहे थे मोहम्मद सिराज के घर, क्रिकेटर जो आप पहचानते हो, जिन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत पूरी फैमिली से, वो तो आज इस मुकाम पे है। तो वही हम जा रहे थे मिलने के लिए और दिखाने के लिए घर उनके। तो इनका एक यूट्यूब चैनल है हैदराबाद लड़का, तो उनको जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करिए। इंग्लैंड में है वो, और मान लो इस बार सबसे ज़्यादा विकेट भी वही लिया मोहम्मद सिराज, 8 विकेट लिया। बैट्समैन लोगों का कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं था, बॉलर की वजह से इंडिया जीती है मैच। हाँ नहीं, इस पे हाँ हम लोग तोली चौकी में है, फ्लाईओवर सामने बाजू है, फ्लाईओवर से जैसे जस्ट नीचे उतरे और सामने इम्पेरियल होटल आपको दिख रहा है। इम्पेरियल होटल से हमें जस्ट लेफ्ट लेना पड़ेगा और दिखाऊंगा आगे कहां तक हमें जाना पड़ेगा। सो अल हसनत कॉलोनी करके बोर्ड लगे हुआ है, अल हसनत कॉलोनी के अंदर हमें जाना पड़ेगा। भाई से बात करी बट उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं है, बात नहीं कर सकते, कुछ सिक्योरिटीज पर्पज का प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से उनको कैमरा पे नहीं आ सकते। एक ड्राइवर था जो गेट के अंदर घुस गया, बुलाते बुलाते उन्होंने आया नहीं, चले गया। कोई नहीं, यही है उनका घर, मैं आपको दिखाया हूँ। बाकी